क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। तारीख 22 जून, जगह वॉशिंगटन का व्हाइट हाउस, सामने दुनिया भर के पत्रकारों की जमात थी, मंच पर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा उसके एक एक शब्द से पाकिस्तान में दहशत है, खलबली। दुनिया को दहशतगर्दी से डराने वाला पाकिस्तान खुद डरा हुआ है। पाकिस्तान के डर की कहानी विस्तार से सुना, लेकिन उससे पहले सुनिए जो बाइडेन की मौजूदगी में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। भारत और अमेरिका के बीच पीएम मोदी का ये बयान भारत अमेरिका के उस जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा है जो मोदी और बाइडेन की वार्ता के बाद जारी किया गया था। भारत अमेरिका के इस जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान की आतंक वाली स्टेट पॉलिसी का पर्दाफाश हुआ। जॉइंट स्टेटमेंट में भारत और अमेरिका ने साफ लफ्जों में कहा था, दोनों देश आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले और पठानकोट टेरर अटैक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है। पाकिस्तान को आतंकवाद को खत्म करने के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान को सुनिश्चित करना होगा कि उसकी जमीन से कोई आतंकी हमला नहीं हो। भारत और अमेरिका के ज्वाइंट स्टेटमेंट ने आतंकवाद को सरकारी पॉलिसी बनाने वाले पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है और पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी अटैक के लिए होता है। इंडिया यूएस के जॉइंट ऐलान के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है, लेकिन इसके बावजूद आज भी पाकिस्तान में हाफिज सईद आजाद घूम रहा है। आज भी पाकिस्तान दुनिया के आतंकियों के पनाहगार है। इन आतंकियों पर एक्शन के बजाय पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका को अपनी वफादारी याद दिलाने लगे। हमने पिछले 40-45 साल में जो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया दो अफगान जंगों में, पाकिस्तान जो था वो एक दस्ता था। हमने जो 9/11 के बाद भी उनके इत्तेहादी बने, आज जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है ये उसी जंग का शाखसाना है। हमने दो जंगों में अफगानिस्तान में जो है और उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। आतंक और फरेब का यह कारोबार पाकिस्तानी सियासतदान ही कर सकते हैं। अपनी जमीन पर पलने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन के बजाय पाकिस्तान अपनी वफादारी गिराने लगा, जबकि दुनिया जानती है कि लश्कर ए चीफ हाफिज सईद, हक्कानी नेटवर्क का आका सिराजुद्दीन हक्कानी, लश्कर का कुख्यात आतंकी अब्दुल रहमान मक्की, जैश का मुखिया मसूद अजहर, हिजबुल का सरगना सैयद सलाहुद्दीन, मोस्ट वॉन्टेड जकीर रहमान लखवी, ग्लोबल टेररिस्ट जफर इकबाल जैसे दहशतगर्द पाकिस्तान में बैठकर दुनिया को दहला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इन आतंकी सरगनाओं पर एक्शन के बजाय अमेरिका को जमहूरियत की याद दिला रहा है। लाहौर को मैदानी जंग में तब्दील कर दिया गया था, मगर हमने उस पे इसलिए कि हम तो अमेरिका से ज्यादा जमहूरी लोग हैं। अफगानिस्तान में जंग के नाम पर पाकिस्तान पिछले 4 दशकों से आतंकियों को पालता पोसता रहा है। अमेरिकी एजेंसियां बता चुकी हैं कि पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकत उल जिहाद इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट खुरासान, हक्कानी नेटवर्क, तहरीक ए तालिबान, लश्कर ए झांगवी जैसे 12 से ज्यादा आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान सच्चाई का आईना देखने के बजाय बहाने बनाता है। एक कोशिश थी अमरीका की भारत को खुश करने की। अमरीका की अव्वलीन तरजीह इस वक्त ये है कि वो किसी तरह से चीन को कंटेन करें, तो उसके लिए वो भारत का एक रोल देखते हैं, बल्कि एक कलीदी रोल देखते हैं भारत का कि वो एक स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट हो सकता है टू काउंटर चाइना। आतंक पर पूरी दुनिया के सामने बेआबरू होने के बाद सिर्फ पाकिस्तान टीवी चैनलों पर ही हाय तबा नहीं मची हुई। पहले ही कंगाली के मुहाने पर खड़े जिन्नालैंड की सरकार अपने आवाम को झांसा देने के लिए विरोध की नौटंकी भी कर रही है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास के उपप्रमुख एंड्रू शॉफर को तलब किया। पाकिस्तान ने भारत अमेरिकी साझा बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि अमेरिका को ऐसे बयान जारी करने से बचना चाहिए।
पाकिस्तान ने एंड्रयू शॉपर को डेमार्च यानी विरोध का औपचारिक आपत्ति पत्र जारी किया। अब पाकिस्तानी हुक्मरान जानते हैं कि उन्होंने अपने आस्तीन में कैसे कैसे आतंकी पाले हुए हैं, लेकिन अपनी आवाम की नजर में खुद को बचाने के लिए वो नौटंकी कर रहे हैं। जॉइंट स्टेटमेंट आई अमेरिका की और हिंदुस्तान की कि पाकिस्तान का बस अब सिर्फ एक रह गया है कि दहशतगर्द है, बस ये। उसको ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये जी पाकिस्तान वहां दहशतगर्दी करवा रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वहां स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। फिर वही जो ग्रुप्स हैं कि पाकिस्तान में वो फलाना लश्कर है और ये और वो है, तो पाकिस्तान को तो वहां खड़ा कर दिया और फिर कहा है कि आप ये खत्म करें, हुक्म दिया हमें कि आप खत्म करें। आतंक पर पाकिस्तान के इस नौटंकी से अमेरिका भी बखूबी वाकिफ है। अमेरिका जानता है कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा अगर कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान ही है। इसलिए इस नौटंकी की अनदेखी करते हुए फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंक पर एक्शन की नसीहत दोहरा दी। We have also been consistent on the importance of Pakistan continuing to take steps to permanently disband all terrorist groups, including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their various front organizations. And we will raise the issue regularly with Pakistani officials and will continue to work together to counter mutual terrorist threats, as we discussed during our March 2023 CT dialogue. कल तक जो अमेरिका पाकिस्तान का संरक्षक था, आज वही पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कह रहा है। लेकिन जिन्ना के वारिस सच कबूल करने को तैयार नहीं। अपने फायदे के लिए दहशतगर्दों की फौज खड़ी करने वाला पाकिस्तान दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुका है। पाकिस्तानी नेता इस हकीकत को समझने और देखने के बजाय झूठ का पर्दा खड़ा कर अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने की अब भी कोशिश कर रहे हैं।